अभी हम जा रहे हैं मोरगढ़ फोर्ट, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ बाइक पर जाएंगे और बाइक में जो है वो अलग से मज़ा आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोरगढ़ बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है, और ये बैकवर्ड एरिया में ही आता है मोरगढ़। एक बड़ी अच्छी जगह, आप वो सामने पहाड़ पर आप देख ही रहे होंगे, मोरगढ़ फोर्ट दिख रहा है वो सामने। तो अब देखो रोड भी कितना अच्छा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे दोस्त जो हैं वो लियाकत जो है वो बाइक अच्छी चलाते हैं, वरना मैंने सोचा क्यों ना हम अब ब्लॉग बनाएं और आप लोगों के सामने भी शो करें, क्योंकि जो रोड है बहुत ही अच्छा है। और इस पर लगता है हम मानसर के ठीक जो है, ये मोरगढ़ जो है ना, यह मानसर की अपोजिट ही है। मानसर की अगर बात करें हम, तो ये मानसर से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पार वाले पहाड़ पर जो मोहरगढ़ का किला है वो आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड है। और इस रोड की तो जितनी सिफ्त की जाए इतनी कम है। अगर बताऊँ तो आप ये देख रहे होंगे, जितने भी हमारे ब्लॉग को देखने वाले हैं उनके आगे जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इतना शेयर करें कि हमारी मेहनत है जो वो हमें मिल जाए। और हम हर एक ब्लॉग के साथ आप लोगों को मिलवाते रहेंगे। जो है अभी हम जो है वो मोरगढ़ फोर्ट से नीचे पहुँचे, वो सामने देखो पहाड़ पे गेट दिख रहा है, बस हम पहुँच गए। अब जो है हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने आ तो बहुत ही पसंद है। और ये आप तालाब देख रहे हैं ना, ये मोरगढ़ का जो ऊपर है, जैसे ही क्रॉस करते हैं हम नीचे से हमने जो है वो टर्न नहीं लिया, हमने ऊपर मोहल्ले से लेकर आए। तो ये तालाब है मोरगढ़ का, तो माशाल्लाह आप लोगों को देखने वालों को भी मज़ा आएगा। और अगर आप ज़रूर जाना चाहोगे तो आप, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, आप हमारे साथ कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप पूछ सकते हो आप, क्योंकि कितनी अच्छी ब्यूटी है ये, बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ, एक अलग सा सुकून दिखता है। अगर आप लोग भी वहाँ पर जाओगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये ब्यूटी है मोरगढ़, ये मोरगढ़ फोर्ट 500 साल पुराना जो किला था ना, ये राजा महाराजाओं की दौलत 500 साल पुराना। हाँ, ये मोरगढ़ 500 ईयर ओल्ड ऑफ हिस्ट्रिकल ऑफ मोरगढ़ फोर्ट डिस्ट्रिक्ट सांबा के कम। दोस्तों आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं और सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करेंगे। हम मोरगढ़ के किले में आप लोगों को लेकर आए हैं, और मोरगढ़ के किले की आपको ब्यूटी अगर आप देखी तो हमने ऊपर का जो है वो व्यू भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई थोड़ा सा कैमरा आप घुमा कर दिखाना कि मोरगढ़ की किले की ब्यूटी क्या है। और मोरगढ़ की अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत अच्छी ब्यूटी है, और मोरगढ़ के किले की अच्छी ब्यूटी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग नंबर 5, और मैं आपको खास तौर पे बताऊं कि इस समय हम मोरगढ़ के किले में मौजूद हैं, और मैं बोलूंगा कि कैमरामैन को कैमरा घुमा कर दिखाएं, और तमाम विजुअल्स भी आप देख सकते हैं कि क्या नज़ारा है यार। मेरे साथ ना लियाकत जो है वो, आपको पहले ब्लॉग में भी मैंने बताया था कि लियाकत मेरा एक ऐसा यही यार है, वो मेरे साथ ही रहता है, और ख़ास तौर पर आपको व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है मोरगढ़ की हिस्ट्री और मोरगढ़ का किला, आप लोगों को तस्वीरों में भी आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि मोहरगढ़ की जो इस समय हम जो मौजूद हैं वो मोहरगढ़ के किले के ऊपर इस समय मौजूद है। और मोहरगढ़ के किले की अगर बात करें तो किला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार है, और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस पर कोई नज़र नहीं डाली। तो आज बहुत ही अच्छा लगा घूम कर। कैमरा मैन लियाकत को बोलूँगा कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, अभी हम जो है वो किले से नीचे उतर रहे हैं। भाई आपको क्या लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जहाँ पे भी है, ये ऐसी ऐसी जगह हैं, इन पे गौर डालने चाहिए। ऐसे बहुत ही अच्छी जगह है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो भाई अगर आप हमारे ब्लॉग को कोई देख रहा हो तो क्या कहेंगे आप? उनको कहेंगे कि बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए यहाँ पे और घूमना चाहिए, कि ठंडी ठंडी हवाएं, तो एक सिटी से निकल के बहुत ही एक अच्छी जगह। ब्लॉग नंबर 4, और आप हर एक ब्लॉग को जो है वो जरूर शेयर करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब शेयर करेंगे। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर करना और
लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम हर एक अपडेट के साथ और तमाम जितने भी पिकनिक स्पॉट हैं और तमाम जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बिछड़े हुए किले हैं वो हर एक के साथ आपको अपडेट मिलेगा। फिलहाल आप देखते रहें हमारा ब्लॉग नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।